हाय गाइस, वेलकम टू ज्ञान यार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कन्वर्जेंस के बारे में कि भाई जो दोहरे या झटके जिसको आते हैं ये क्यों आ जाते हैं, किन किन समस्याओं में आते हैं और इस दौरान क्या एलोपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसको समझेंगे तो वीडियो को आप पूरा देखें। दोस्तों, कन्वर्जेंस एक अपने आप में बोलना चाहिए कि किसी चीज़ का सिम्टम्स होता है, किसी चीज़ का एक लक्षण होता है। वो कोई भी बीमारी हो सकती है, कन्वर्जेंस किसी को भी आ सकती है। जो एडल्ट्स में कन्वर्जेंस आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, रिगर्स बोलते हैं, ठीक है। और जो बच्चों में होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फिट्स। बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है कि भाई उनको कन्वर्जेंस आ जाते हैं। कई छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हाथ पैर कांपने लगते हैं या फड़फड़ाने लगते हैं, तो कई बार माता पिता डर जाते हैं। ये कन्वर्जेंस होते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, किसी बीमारी के चलते, किसी दवा के चलते, कभी भी हो सकते हैं। तो पहले समझते हैं कि ये इसके कारण क्या होते हैं, झटके आने का, दौरे पड़ने का कारण क्या होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। मिर्गी में बहुत कॉमन है भाई। मिर्गी का तो एक सिम्टम्स ही होता है कन्वर्जेंस आना। मिर्गी, हाइपोग्लासीमिया मतलब कि ब्लड के अंदर शुगर की कमी, वीकनेस, उसके द्वारा भी होता है। उसके अलावा इक्लिम्सिया, इक्लिम्सिया एक कंडीशन होती है जहाँ पे महिला की प्रेगनेंसी होती है, लेबर टाइम चल रहा होता है और डिलीवरी से पहले उसको इक्लिम्सिया डेवलप हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और कन्वर्जेंस आने लगते हैं। वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कंडीशन होती है। सेरिब्रल ट्यूमर मतलब कि ब्रेन के अंदर कहीं पे कोई ट्यूमर है तो आदमी को दोहरे झटके पड़ सकते हैं। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर अचानक से ज़्यादा बढ़ जाए तो भी ये होता है। और न्यूरोसिफिलिस एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है कि सिफिलिस डेवलप हो जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे ये होता है। उसके अलावा और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि भाई किसी दवा का ओवरडोज या कोई दवा सूट नहीं करी या किसी पर्टिकुलर एक दवा है जिसका साइड इफेक्ट ही झटके आना होता है। तो छोटे बच्चों में अधिकतर देखा जाता है कि उनको ये हो जाता है, कोई इंजेक्शन लगवा के आया डॉक्टर के पास से और उनके पैर कांपने लगते हैं, हाथ कांपने लगते हैं, तो कई बार डर जाते हैं। ये तो हो गई कि भाई कन्वर्जेंस क्या होते हैं और क्यों आते हैं। बात करेंगे ट्रीटमेंट की, एलोपैथिक ट्रीटमेंट की। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर दोस्तों कि कोई भी दवा अपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेना चाहिए। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं, मेडिकल से संबंध रखते हैं तो आप वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अब सो ट्रीटमेंट अपन शुरू करेंगे दोस्तों डाइजेपैम से। डाइजेपैम है जो कि कई नाम से मार्केट मिलता है, यहाँ पर मैं शो कर दूंगा डाइजेपैम किस नाम से मिल जाएगा आपको। तो डाइजेपैम का इंजेक्शन लगाया जाएगा। कन्वर्जेंस की स्थिति ऐसी होती है कि वहाँ पे आप गोली नहीं खिला सकते आदमी को, तो गोली 15 मिनट बाद काम करेगी नहीं। इंजेक्टेबल ड्रग्स दिया जाते हैं। डाइजेपैम होता है 0.3 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इसका इंजेक्शन देना है। या तो नस में डाल सकते हैं जल्दी आराम के लिए, या IM लगाया जा सकता है, इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस। उसके अलावा फेनोबारबिटोन का इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है 200 मिलीग्राम IM, ठीक है। ये गार्डिनॉल करके मिलता है, गार्डिनॉल करके फेनोबारबिटोन का इंजेक्शन, इसको भी लगाया जा सकता है इंट्रामस्कुलर। इससे आराम मिल जाता है आदमी के, जो झटके आ रहे होते हैं, दौरे पड़ रहे होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। उसके अलावा बात की जाए कि भाई अगर लंबे समय तक कंडीशन है कि भाई लंबे समय तक अगर कोई ट्रीटमेंट चलाना है तो वहाँ पे भी आप दोस्तों फेनोबारबिटोन की टैबलेट दे सकते हैं 5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। व्यक्ति को डिवाइडेड डोज में देना, दिन भर में 2 बार डिवाइड करके, और वो 10 से 15 दिन तक चलाई जा सकती हैं। कार्बामेजपाइन होता है दोस्तों, एक ड्रग होता है कार्बामेजपाइन, ये 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइडेड डोज चलेगा इसका सुबह शाम में। ये भी आप दे सकते हैं लंबे समय के लिए। इससे क्या होगा, जो कन्वर्जेंस आ रहे हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा साथ में कुछ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कैसा है भाई, देखो उसको बुखार आ रहा है तो पैरासिटामोल दे सकते हैं आप 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और क्रॉनिक कंडीशन है और तो वहाँ पे क्या होता है, कई बार वीकनेस की वजह से होता है, तो वहाँ पे कुछ मल्टीविटामिन को चलाया जा सकता है। तो यही इसका कंप्लीट ट्रीटमेंट होता है। और ये जो ट्रीटमेंट है ये टेम्पररी ट्रीटमेंट है, क्योंकि झटके हमेशा नहीं आते, थोड़े बहुत झटके आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को बहुत ज़्यादा झटके आते हैं तो उनके लिए इंजेक्टेबल में यही इलाज होता है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो ये इंजेक्टेबल ड्रग्स देने के बाद हो सकता है कि IV फ्लूड्स चढ़ा दें, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया हाइपोग्लाइसेमिया, कई बार शुगर की कमी से भी झटके आते हैं। तो यही होते हैं दोस्तों कन्वर्जेंस, उनका इलाज और उनके कारण और सिम्टम्स। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ से लाइक करें। आप देख रहे थे ज्ञानी और मैं हूँ शिवम। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।